दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये है गीता का घर। सुबह का वक्त है, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर रिंकी अपने गाड़ी के साथ खेल रही है। अरे मैं तो कब से खेल रही हूँ, मुझे तो बहुत ही तेज भूख लगी है। मैं मम्मी को जाकर बोलती हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे देंगी। अरे ये क्या, मम्मी तो सुबह से सोई हैं, अब तक उठी क्यों नहीं? खाना भी बनाई है कि नहीं, मम्मी को जगाती हूँ। अरे मम्मी उठिए ना, मम्मी उठिए ना, मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। और मुन्नी भी सोई है, मुन्नी भी नहीं जग रही। अरे मम्मी उठिए ना, मम्मी उठिए ना, अरे मम्मी उठिए ना, का कितना सोएंगी आप? अरे रिंकी बेटा, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं उठ नहीं सकती। अरे मम्मी की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, मैं देखती हूँ क्या हुआ है मम्मी को। अरे मम्मी को तो बहुत ही तेज बुखार है, अरे कितना तेज बुखार है, बदन जल रहा है मम्मी का, मैं क्या करूँ? अरे मैं काम करती हूँ, मम्मी के सर पे पट्टी लाकर रखती हूँ, पानी और पट्टी ले आती हूँ, पानी पट्टी ले आती हूँ, सर पे पानी की पट्टी करती हूँ, बुखार शायद कम हो जाए, बहुत ही तेज बुखार है मम्मी को। अरे चलो, मैं तो कपड़े और पानी ले आई हूँ, कपड़े को इसमें भिगो कर मम्मी के सर पे रखती हूँ, शायद कुछ बुखार कम हो जाए। जल्दी से कपड़े भिगो कर मम्मी के सर पे डालती हूँ। चलो मैं तो पट्टी रखी हूँ, देखती हूँ बुखार कम होता है कि नहीं। अरे ये पापा भी नहीं है, मैं क्या करूँ? कैसे मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? एक भगवान, मैं क्या करूँ? चलो पट्टी तो रखी हूँ मम्मी के सर पे, देखती हूँ बुखार कम हो रहा है कि नहीं। अरे मम्मी को भी खांसी हो रही है, अरे ये बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मैं काम करती हूँ, राधा आंटी को जाकर बुला कर ले आती हूँ जल्दी से। और इधर रिंकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी मम्मी के लिए, और रोते हुए राधा को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रिंकी राधा को बुलाकर ले आती है। अरे रिंकी बेटा, चलो मैं देखती हूँ गीता को क्या हो गया, अचानक से इतना तेज बुखार और खांसी क्यों हो रहा है, कल तो वो ठीक थी, अरे क्या हो गया, मैं जाकर देखती हूँ। अभी कुछ नया वायरस चल रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, हे भगवान, ये गीता को क्या हो गया? अरे मैं देखती हूँ क्या हुआ है गीता को, हे भगवान, इसका तो गीता का तो बदन पूरा जल रहा है, इतना तेज बुखार। अरे इसे खांसी भी हो रही है, ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे ये रहा गीता का फोन, मैं जल्दी से फोन करती हूँ, ये भगवान, बहुत तेज बुखार है गीता को, ये नई वायरस जो चल रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। हेलो डॉक्टर, मैं राधा बोल रही थी, अरे कुछ इमरजेंसी हो गई है, अरे गीता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे खांसी और बुखार बहुत ही ज़्यादा है, बुखार से उसका बदन तप रहा है, आप एक काम करिए, जल्दी से आ जाइए हमारे घर। अरे हाँ हाँ राधा, मैं जाकर पहुँच रही हूँ 10 मिनट में। अरे हाँ हाँ डॉक्टर, जल्दी आ जाइए ना, बहुत ही तेज़ बुखार है गीता को, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब जल्दी आइए। चलो मैं डॉक्टर गुप्ता को फ़ोन कर चुकी हूँ, डॉक्टर गुप्ता आती होंगी, बस आकर देख लें गीता को क्या हुआ है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं गीता को कोई वायरस ना हुआ हो, हे भगवान, क्या होगा गीता का? अरे राधा आंटी, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मम्मी को अचानक इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो गई आंटी? अरे कुछ नहीं रिंकी बेटा, कुछ नहीं, मम्मी की बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी, डॉक्टर गुप्ता आएंगी तो देख लेंगी, ठीक हो जाएंगी मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं। और इधर डॉक्टर गुप्ता आ जाती हैं। अरे ये रहा ना, अरे हाँ यही तो है गीता का घर, जल्दी से मैं जाती हूँ। अरे राधा, तुमने कॉल किया था ना? अरे अरे हाँ हाँ डॉक्टर गुप्ता, मैंने फ़ोन किया था, गीता का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, देखिए ना आप जल्दी से आकर उसे। अरे हाँ हाँ राधा, घबराओ मत, अभी कुछ वायरस चल रही है जिसकी वजह से सारे गाँव में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, और खांसी और बुखार सबको हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन दिलवा दूंगी तो ठीक हो जाएगा, मैं बस देख लेती हूँ पहले गीता को क्या हुआ है। अरे इसे तो बहुत तेज खांसी हो रही है और बुखार भी है इसके बदन में, एक काम करती हूँ, मैं इंजेक्शन दिलवा देती हूँ।
गीता 10 मिनट के बाद ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, उसकी बुखार कम हो जाएगी। अरे गीता तुम थोड़ा लेट जाओ, मैं इंजेक्शन देना है तुम्हें। अरे राधा गीता को थोड़ा पलटाओ, मैं उसे पीछे सुई देना है मुझे, गीता के हिप में सुई दूंगी तो उसका बुखार जल्दी से कम हो जाएगा। अरे हाँ हाँ डॉक्टर गुप्ता, मैं अभी गीता को पलटाती हूँ, आप उसके हिप में जल्दी से इंजेक्शन दे दीजिए, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे गीता थोड़ा पलट जाओ, गुप्ता तुम्हें इंजेक्शन दिलवाएंगी। अरे राधा दीदी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं काम करती हूँ, पलट जाती हूँ। और इधर गीता पलट जाती है, अरे डॉक्टर गुप्ता दे दीजिए इंजेक्शन, गीता पलट गई है। अरे हाँ हाँ मैं अभी इंजेक्शन देती हूँ, मुझे उसके हिप में इंजेक्शन देना है। और इधर डॉक्टर गुप्ता गीता को इंजेक्शन लगा देती हैं। अरे आ दीदी बहुत ही तेज दुख रहा है, अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, बस आराम से आराम से। चलो वेरी गुड, मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, अब कुछ नहीं होगा, आपकी बुखार ख़त्म हो जाएगी और खांसी भी बंद हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगी, आप वक्त से मेडिसिन देते रहिएगा। अरे हाँ हाँ डॉक्टर आप मेडिसिन दे दीजिएगा, मैं वक्त पे गीता को मेडिसिन दे दूँगी, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे डॉक्टर मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी ना, उन्हें कुछ नहीं होगा ना। अरे कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मी पूरा ठीक हो जाएंगी कल तक, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है राधा मैं आती हूँ। और इधर डॉक्टर गुप्ता आ जाती हैं। अरे गीता घबराने की कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।